नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुस्से पर नियंत्रण कैसे करें। गुस्सा हर इंसान को आता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, पर हर कोई इस परेशानी से गुजरता है। आपका गुस्सा आपको आंतरिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। कभी कभी ना चाहते हुए भी अधिक गुस्सा हो जाता है और बाद उसे पश्चाताप होता है। गुस्सा एक प्रकार की कमजोरी है। भले ही हम उस वक्त गुस्से में खुद को सबसे शक्तिशाली महसूस करें, पर सही मायने में हमारा गुस्सा हमें कमजोर बना देता है। ज्यादा गुस्सा करने से हमें अधिक चिड़चिड़ापन लगने लगता है। यह बात सत्य है कि अधिक सोचने वाले लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं। आपका गुस्सा आपको बहुत से लोगों से दूर कर सकता है। गुस्सा हमारे लिए हर मायने में गलत है, चाहे वह सामाजिक, पारिवारिक या राजनीतिक हो। अब उन तरीकों की बात करते हैं जिसे अपनाकर आप अपना गुस्सा नियंत्रण कर सके। नंबर एक, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जब आप खुद को यह समझा ले कि कुछ भी करने से जो जैसा है वैसा ही रहेगा, आपके गुस्सा करने से कुछ बदला नहीं जा सकता, तो आप शायद कम गुस्सा करेंगे। जब हम खुद को पूरी तरह से यह समझा लेंगे कि हर कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। हमारा गुस्सा ज्यादातर तभी बढ़ता है जब कुछ भी जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिलता। तो यह खुद को पूरी तरह से समझा ले कि ना आप किसी के अनुसार बदल सकते, ना ही हर कुछ आपके हिसाब से बदला जा सकता है। नंबर दो, कंट्रोल योरसेल्फ। जब आप खुद पर काबू होते हैं तो आप कुछ भी आसानी से हासिल कर पाते हैं और खुद को गुस्सा करने से रोक पाते हैं। जब हमें कुछ पसंद नहीं आता, कोई कुछ गलत कहता करता है, तो हम अक्सर उसे रोक नहीं पाते और बहुत ही जल्दी उस पर गुस्सा हो जाते हैं। उस वक्त हमारा खुद पर काबू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुस्सा किसी भी गलत को सही तो नहीं कर सकता, पर आपके स्वास्थ्य को खराब जरूर कर देता है। गुस्से में अक्सर हम वह तोड़ जाते हैं जिसे जोड़ने में सालों लगते हैं। नंबर तीन, एक्सेप्ट द चेंज इन लाइफ। जीवन के दौर में अनेक बदलाव होते हैं और हमें उसे अपनाना पड़ता है। चाहे तो आपके दोस्त हो या रिश्तेदार, वह भी समय के साथ बदलते हैं। आप खुद भी समय के साथ बदलते हो, पर जब कुछ बदलाव होता है तो हम आसानी से उसे स्वीकार नहीं कर पाते और गुस्सा कर जाते हैं। पर जब हम यह समझ जाते हैं कि प्राकृतिक का यह ही नियम है, तब बदलाव से हमें गुस्सा नहीं आता और हम धीरे धीरे हर बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। नंबर चार, रेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। आपके लिए आपके कार्य के साथ साथ आपका आराम करना भी जरूरी होता है। जब आप लगातार बस अपने कार्यों के बारे में सोचते रहते हो और उसे करते रहते हो, तो इससे आप अपने शरीर को आराम ही नहीं देते, जिसके कारण आप अंदर ही अंदर गुस्सैल बनते जाते हो। आपकी चिड़चिड़ाहट ऐसी हो जाती है कि आपको कभी कभी कुछ अच्छी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। आप आराम करें ताकि आप शारीरिक और मानसिक शांति पा सके और अपने गुस्से पर नियंत्रण कर पाए। नंबर पाँच, स्लीप वेल। आपके लिए पूरी नींद जरूरी है, तभी आप अपने कार्य को सही ढंग से और ताजगी के साथ कर पाते हैं। जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो आपकी आलस होती है और अपने कामों को करने में मन नहीं लगता है, जिस कारण आपको खुद पर गुस्सा आता है। जरूरी नहीं होता कि हमें हमेशा दूसरों पर ही गुस्सा आए, कभी कभी हमें खुद पर भी गुस्सा आता है। पूरी नींद ले ताकि आप अपने प्रत्येक काम को सही ढंग से खुश रहकर कर सके। नंबर छह, नो द रीजन ऑफ एंगर। जब आप अपने गुस्से की वजह को जान जाते हो तो उस पर नियंत्रण करना आपके लिए आसान हो जाता है। जब आपको कोई भी बात सही नहीं लगती और आपके आसपास अक्सर यह बात हो, तो आपको बहुत गुस्सा आता है और उस वक्त आपके लिए उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर है जो चीजें आपको पसंद ना हो उनसे दूरी बना लें और हमेशा यह कोशिश करें कि जब जो बातें पसंद ना आए उससे खुद से दूरी बना लें। जब आप गुस्सा करने से पहले वहां से हट जाते हैं, तब आप गुस्सा करने से बच जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे। गुस्सा हमारे शरीर को कई रोगों से ग्रसित कर देता है। नंबर सात, डू योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। योग, ध्यान और व्यायाम से आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं और आप अपने दिमाग और मन दोनों को शांत आसानी से कर पाते हैं। आप हर परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। आपकी समझ और शांति आपको जीवन की सच्चाई को अपनाने में मदद करती है और आपको कम गुस्सा आता है। नंबर आठ, थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। जब भी कुछ अच्छा ना लगे तो यह सोचकर गुस्सा ना हो कि यह गलत है, बल्कि यह सोचे कि इसे सही कैसे किया जा सकता है। जब आप चीजों में सकारात्मक बातों को देखने लगेंगे तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। हर चीज में कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई दोनों होती है, पर अपने गुस्से को नियंत्रण करने के लिए अच्छाई पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए आप हमेशा अच्छे पहलू पर ध्यान दें। वैसे भी आप गुस्सा कर उसे बदल नहीं सकते।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।